अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन मिराम्स किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी दूध पत्ती, और मसाला दूध पत्ती होगी ये। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, आजकल जिस तरह से सर्दियां हैं आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा पीने में, कि बहुत ज़्यादा अफादियत भी आपको मिलेगी। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमने 2 कप दूध लिया है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया था और उसको हमने अच्छे से पीस लिया है। और यहाँ पर हमने एक मसाला तैयार किया होता है, सौंफ और इलायची को हमने पीस के रखा होता है। ये 1/2 टीस्पून सौंफ और इलायची है। अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा, क्योंकि पिसी हुई चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए हमने 1/2 टीस्पून ही लिया है। और यहाँ पे छोटा सा एक टुकड़ा दालचीनी का है, क्योंकि इसका फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है। अगर आप इसका पाउडर यूज़ करना चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, तो उस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून चीनी ले रही हूँ। आपको जितनी भी शुगर पसंद है आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही मैं भर के चाय की पत्ती ले रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन में हमने दूध डाल दिया है और अब मैंने स्टोव भी चला दिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर दूँगी अदरक, और साथ में हम इसमें ये जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें है सौंफ और इलायची का पाउडर और एक दालचीनी का टुकड़ा। इनको हम हल्का सा मिक्सअप करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाय की पत्ती। अब हम इसे पकने देंगे, जब एक बॉयल आएगा तो उसके बाद हम इसको जिस तरह से पकाना है मैं आपको बताती हूँ। देखते हैं, अब दूध में बॉयल आ गया है। अब स्टेनर ले लिया है और इससे हमें इसको इस तरह से पकाना है, बिल्कुल वो ढाबा स्टाइल है। इससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा और झाग भी बनेगी, और झाग से जो चाय का टेस्ट है वो डबल हो जाता है। चाय बन गई है, अब एंड पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये एक टिप है कि चीनी को आप एंड पे शामिल करेंगे तो आपकी चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अब हम अगेन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चाय में पत्ती और चीनी की रेशो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसको अच्छा सा एक बॉयल देंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपको बताऊंगी कि चाय को आप किस तरह पोर करेंगे। आप हमेशा चाय को थोड़ा फासले से पोर कीजिएगा, इससे क्या होता है बहुत अच्छी सी झाग बन जाती है चाय पे और बहुत ही अच्छी लुक आती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। देखते हैं कि हमारी मज़ेदार सी मसाला दूध पत्ती रेडी हो गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा सा आ गया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको बरवक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।